श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में ये पवित्र उपाय आपको करना है। नवरात्रि कल से यानी कि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन हो रहा है 17 अप्रैल को। नवरात्रि की रात में मात्र एक लाल पुष्प से और एक पोटली से आपको आपकी घर की कुल देवी को प्रसन्न करना है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इसलिए खास है क्योंकि ये उपाय है आपके घर की कुल देवी को प्रसन्न करना। देखो, चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि होती है और हमारी कुल देवी, जो हमारी कुल की देवी है, उन्हें प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। आज नवरात्रि, देखो नवरात्रि पूरे 30 साल बाद इस नवरात्रि में अमृत सिद्धि योग लगा है, सर्वार्थ सिद्धि योग लगा है, शश योग लगा है, अश्विनी नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है और इसी नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको ये लक्ष्मी पोटली यानी कि आपके घर की कुल देवी को बुलाने की, कुल की रक्षा करने के लिए कुल पोटली आपको बनाना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। नवरात्रि के पावन दिनों में कुल देवी को आपको आपके घर में बुलाना है, मात्र आपको एक पोटली बनाना है। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो आपको माता रानी का एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपको करना है लाल चूड़ी से और लाल फूल से। तो देखो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, आपको नवरात्रि में एक लाल पोटली बनाना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। क्या क्या चीज़ उसमें डालेंगे, पूरी विधि आपको समझाएंगे। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम दो उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, यदि आपके बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते ना, तो नवरात्रि में आपको चूड़ी और लाल फूल का एक विशेष उपाय करना है। और दूसरा जो उपाय होगा, नवरात्रि में अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर के कुल देवी को घर में बुलाने के लिए दूसरा उपाय करना है। तो देखो, ये दोनों उपाय आपको नवरात्रि में करना है। नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं ना, वो देवी की कृपा प्राप्त करने के सुनहरे दिन होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का जाप करने मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिनों में 9 रूपों की, अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखो, मान्यता ये है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से सुख समृद्धि खुशियाँ और सकारात्मकता प्राप्त होती है। तो देखो, आज के इस वीडियो में जो दो उपाय बताएंगे उसमें से एक पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा और दूसरा जो उपाय है वो सनातन धर्म का सबसे विशेष उपाय है, माता आदिशक्ति दुर्गा को अपने घर पर बुलाने का। तो दो उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप आपके घर की कुल देवी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, या आपके कुल देवी का नाम आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से इन उपायों को समझना। नवरात्रि में ये उपाय आप पहले दिन भी कर सकते हो, या तो नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी एक दिन आप जा करके कर सकते हो। ये उपाय नवरात्रि में रात में करना है, रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद। ध्यान रखना, नवरात्रि का जो महत्व होता है वो रात्रि में ही होता है। नवरात्रि के 9 दिन में देवी की शक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। देवी की शक्ति को प्रसन्न करने का काम हम कर सकते हैं। देखो, अगर आपके बच्चे गलत संगत में हैं, आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या आपको संतान संबंधित कोई परेशानियाँ हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके घर में खुशी आ जाएगी इस उपाय को करने से। पूज्य गुरुदेव क्या बताते हैं इस उपाय के लिए समझना। आपको लेना है लाल चंदन, 1 चम्मच लाल चंदन लेना, किसी भी मतलब कागज़ की एक पुड़िया बना लेना, उसके अंदर लाल चंदन रख लेना, ठीक है। साथ में आपको लेना है लाल चूड़िया, अब 4 लाल चूड़िया लेना, और साथ में आपको लेना है एक लाल रंग का फूल, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, लाल रंग का फूल जैसे कि गुड़हल का फूल ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का लाल फूल ले सकते हैं। गुड़हल का फूल लेते हैं ना, तो माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो गुड़हल का पुष्प आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने स्क्रीन पर आपको बताया। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि में माँ से प्रार्थना करना है और ये लाल चंदन हो गया, लाल फूल हो गया, या ये लाल चूड़िया हो गई, इसे एक लाल कपड़े में या तो कागज़ पर, लाल कपड़ा नहीं हो तो कागज़ के ऊपर रखना, और इसे किसी भी देवी के मंदिर में आपको रख कर के आना है।
कोई भी देवी, किसी भी देवी का मंदिर हो, माँ दुर्गा के नाम से आपको माता के सामने ये रख देना है और माता से प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सुधर जाएं, मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आप उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाएं, ऐसी आपको कामना करना है और ये आपको माता के चरणों में रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है, किसी भी नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखो अब समझना, ये जो आपने रख दिया तो ये आपको मंदिर में ही छोड़ करके आना है, ठीक है, आपको ये चीज़ें वापस से घर पर नहीं लेकर के आना है। बस इतना सा उपाय करना, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये दूसरा उपाय है लाल पोटली का विशेष उपाय। देखिए नवरात्रि में माँ आदिशक्ति दुर्गा की आराधना करने से पहले आपको आपके घर की कुल देवी का स्मरण जरूर करना चाहिए, इसलिए कुल देवी के नाम की पोटली आपको बनाना चाहिए। देखो यदि आपको कुल देवी का नाम नहीं मालूम तो आप कुल देवी का मन ही मन में स्मरण करते हुए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इस सृष्टि के कुछ नियम हैं, भगवान जो होते हैं वो हमारी हर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर एक कुल को एक देवी दी है, एक देवता दिए हैं जो कि कुल देवी देवता कहलाते हैं, ठीक है। आपके भी घर के कुल देवी देवता होंगे जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए, हमको उन्हें अपनी समस्या कहनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो उनका अंत कर दें। आजकल कई लोग जो होते हैं उनको कुल देवी देवता को वो जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, लेकिन आपको बता दें अगर आपके घर की कुल देवी देवता को आप खोजोगे नहीं, आप बाहर की देवी देवता को पूजते रहोगे, तो शास्त्र हमारा धर्म जो है सनातन धर्म वो ये कहता है कि अगर आपने आपके घर के वास्तव में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको आपकी समस्याओं का अंत अगर आपको करना है, धन की हानि अगर आपको निरंतर हो रही है, कुल की हानि आपको हो रही है, तो आपको आपके घर की कुल देवी की आराधना आपको ज़रूर करना चाहिए। देखो नहीं मालूम कुल देवी तो खोजो, खोज भी नहीं सकते हैं, प्रयास बहुत कर लिए नहीं मालूम तो बस कुल देवी का स्मरण करते हुए ये उपाय कर लेना। हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि यदि अन्य देवी देवता को आप भोग लगाते हैं, आपके घर के कुल देवी देवता को भोग नहीं लगाते हैं समय समय पर, तो आपके कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो देखो नवरात्रि में 9 दिनों में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से करना है उपाय समझना, हो सके तो घर को शुद्ध करना, जब ये उपाय करोगे ना उसके पहले घर को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे करोगे, गोमूत्र लेकर के आना, ठीक है, गोमूत्र का पोछा आपको लगाना चाहिए और उसके बाद घर को पवित्र करना चाहिए। पोछा नहीं लगा सकते तो गोमूत्र को थोड़ा सा जल में डाल करके इसका छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए, घर को पवित्र करना चाहिए, ठीक है। अगर गोमूत्र नहीं है तो गंगा जल का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ लेनी है, एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है, लाल कपड़ा, चौकोर लाल कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, सही कटा होना चाहिए। लाल कपड़े के साथ में आपको लेना है कोयला, ठीक है, काला कोयला जो होता है ना, कोयला लेना है, लोबान लेना है, एक हल्दी का एक टुकड़ा लेना है, हल्दी का टुकड़ा कौन सा, साबुत हल्दी होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको भस्म लेनी है, कंडे की जो भस्म आती है ना वो भस्म आपको लेनी है। थोड़ा सा चंदन लेना है, चंदन कौन सा लोगे, सफ़ेद चंदन, मात्र एक एक चुटकी ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। साथ में आपको लेना है एक चुटकी कुमकुम, और उसके साथ में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ आपको इस लाल पोटली पर रखना है और इसे बांध देना है। ध्यान रखना जब आप बांधोगे ना तो इस पोटली को बांधते समय भी आपको लाल धागे का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि के दौरान आप ये पोटली कब बांधोगे पहले ये समझ लो। नवरात्रि के पहले दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पहले दिन नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर भी ये आप बना सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। देखो आपको ये बांधना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। देखो मुख्य द्वार पर यानी कि घर के अंदर की तरफ आपको मुख्य द्वार के ऊपर बांधना है, बाहर की साइड नहीं बांधना है। घर के बाहर मत बांध देना, घर के बाहर लोगों को नहीं दिखनी चाहिए, घर के अंदर आपको दरवाजे के ऊपर बांधना चाहिए। देखो आपको यदि पता हो तो हमारे धर्म में अष्टलक्ष्मी का जो वास बोला गया है वो घर के मुख्य द्वार के ऊपर बैक साइड में ऊपर की साइड माना गया है। घर में जो अष्टलक्ष्मियों का वास माना जाता है वहीं हमारी कुल देवी का भी वास होता है। तो ध्यान रखना आपको अंदर की साइड ये बांधना है। जब आप बांधोगे समझना, ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। जब आप बांधोगे तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए और माता रानी का आह्वान करना चाहिए, ओम कुल देवी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको बांधना है। देखो अब ये कौन बांधेगा, सबसे पहली बात, यदि घर में कोई भी बड़ा है,
कोई भी बड़ा पुरुष जो है अगर वो है तो वो बांध देंगे, पुरुष अगर घर के जो बच्चे हैं लड़का है तो वो बांध देगा, अगर वो नहीं बांध सकते तो घर के फिर कोई भी जने इस पोटली को बांध सकते हैं, लेकिन अगर घर के पुरुष हैं तो उन्हें पहले सबसे पहले उन्हें बांधना चाहिए। इस प्रकार से आपको बांधना है, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखो ये पोटली बांधना क्यों है पहले ये समझो, कुल देवी यानी कि हमारे कुल की रक्षा करते हैं। पोटली जब आप बांधोगे, देखिए जैसे आप ये बांधते हैं उनका स्मरण करते हुए, तो आपकी घर की जो कुल देवी है उनको पता चलता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, और वो दौड़ी चली आती हैं, आपके घर के हर काम होने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये पोटली बांधी जाती है और ये केवल नवरात्रि में ही बांधी जाती है, मात्र 7 दिनों के अंदर ही आपको आपके जीवन में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जो पोटली है बांधने के बाद आप अगली नवरात्रि पर ये वापस से इस प्रकार की पोटली बांध सकते हैं, और ये जो पुरानी पोटली है ये किसी भी नदी में प्रवाहित करके आ सकते हैं या किसी भी देवी के मंदिर में रख करके आ सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हमने 2 उपाय बताए हैं, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।